डिफेंस के बंद क्वार्टरों में कोविड-19 केंद्र का निर्माण करें, रिक्त जगह का इस्तेमाल कर बचाई जा सकती है, इस्तेमाल कर बचाई जा सकती है कोरोना मरीजों की जान। अच्छा, डिफेंस के क्वार्टरों में कोविड-19 केंद्र का निर्माण किया जाए, साथ ही रिक्त जगह का इस्तेमाल कर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान बचाई। डिफेंस के बंद क्वार्टरों में कोविड-19 केंद्र का निर्माण किया जाए ताकि रिक्त जगह का इस्तेमाल कर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान बचाई जा सकती है। चीन निर्मित कोरोना आज भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए प्राण घातक हो गया है। कोरोना विषाणु आज पृथ्वी पर व्याप्त हो चुका है। हर कोई एक ही दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित होते जा रहा है। इससे बचने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को सक्षम करना आवश्यक है। इस बीच भारत सरकार ने कोरोना को चीन वापस भेजने के लिए तालाबंदी कर दी गई थी। निजी और सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी है। आज हर जगह कोविड केंद्र स्थापित करने की वास्तविक आवश्यकता है। हर दिन 40-40 कोरोना मरीज संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसके अलावा मृत्यु दर प्रतिदिन 2 से अधिक हो गया है। वाड़ी से नागपुर भेजे गए मरीज की मौत बिस्तर की कमी के कारण होती दिखाई दे रही है। वाड़ी क्षेत्र में कोविड केंद्र स्थापित करना आसानी से संभव है। यदि रेल का डिब्बा एक प्रतिष्ठित केंद्र हो सकता है तो डिफेंस में आयुक्त फैक्ट्री में खाली पड़े क्वार्टर कोविड-19 केंद्र क्यों नहीं हो सकते। डिफेंस कॉलोनी में 7,000 से अधिक सरकारी क्वार्टर है। आज लगभग 20%, जिसमें 1,400 से अधिक क्वार्टर खाली है, जिनमें से कुछ जीर्णशीर्ण स्थिति में है। खाली क्वार्टरों को कोविड केंद्र में बदलने से वाड़ी हिंगना क्षेत्र में कुछ रोगियों की जान बचाई जा सकती है। अस्थायी कोविड केंद्र स्थापित करने के लिए नवनीत नगर 8वां महल में लगभग 10 एकड़ भूमि जगह खाली स्थिति पर है। यदि उस स्थान पर एक अस्थायी अस्पताल स्थापित किया जाता है तो वाड़ी, 8वां महल, नवनीत नगर, हिंगना, MIDC क्षेत्र के मरीज को यहां ठीक किया जा सकता है। वाड़ी क्षेत्र वर्तमान में कोरोना हॉटस्पॉट के लिए एक आकर्षण का केंद्र है और कोरोना रोगियों की एक बड़ी संख्या इसे दैनिक रूप से दिखाई देती है। सही इलाज न होने के कारण बहुत से मरीज मर रहे हैं। जिला आपदा निवारण विभाग को नागपुर तहसील पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भयभीत हो चुके हैं क्योंकि कोरोना ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ तहसील के शहरी क्षेत्रों में भी घुसपैठ की है। इसलिए प्रशासन को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य प्रणाली के गुण और अवगुण पर चर्चा सार्वजनिक हो गई। ग्रामीण चिकित्सा संबंधी मामलों के कारण ऐसा हुआ है। रोगी को अस्पताल के स्वागत कक्ष में ही डरावनापन और अन्यायपूर्ण लगता है। अस्पताल द्वारा अपने करीबी सहयोगियों को खोने का कम क्षेत्र में स्वास्थ्य की कहानियां दुखदायक है। क्लिनिक नहीं, परीक्षण द्वारा कोरोना पेशेंट को मिलने वाला व्यवहार समझना शुरू है। उसके बाद प्रवेश में ही भर्ती प्रक्रिया की गलतियों में सभी के लिए एक जैसी ही नीति उन्हें दंडित करने की मानसिक रूप से कमजोर कर रही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन बीच न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।